हर किसी के लिए माँ बाप बनना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और इस सफर में उन्हें कई अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब आपका बच्चा भी दुनिया में आने के बाद पहली बार बीमार पड़ता है तो पेरेंट्स की टेंशन और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ जाती है। शिशु को बुखार में तड़पते हुए देखना आसान नहीं होता, लेकिन इस समय आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको दिल्ली की एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातचीत करके बताएंगे कि शिशु के पहले बुखार में उसका कैसे ध्यान रखें और क्या उपाय करें। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर वीना दुआ। थोड़ा सा बताइए कि आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग? मैंने अपनी ग्रेजुएशन LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कलावती हॉस्पिटल से करी है, दिल्ली से। अच्छा मैम, आप ये वाले जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इस फील्ड में कब से? मैं इस फील्ड में 45 ईयर्स से हूँ। मतलब 45 ईयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ। अगर मैम मैं बात करूं, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनका पहला बुखार जो है वो माता के लिए काफ़ी चिंता वाला होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं, और पहला बुखार जब आए तो उसके बारे में आप थोड़ी सी टिप्स बताइए कि कैसे बेबी को ठीक करना चाहिए फर्स्ट बुखार में। अच्छा, अगर बेबी को फर्स्ट टाइम फीवर आता है तो पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं, तो उनको एक तो करना चाहिए थर्मामीटर रखना चाहिए, उससे बच्चे का टेम्परेचर चेक करें, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर थर्मामीटर 1 मिनट के लिए कम से कम लगाएं, अगर रीडिंग 100 से ऊपर आती है तो उसका मतलब बच्चे को फीवर है, ठीक है। हाँ, 99.5 हो या 100 हो वो फीवर है, और अगर फीवर 100.5 हो या उससे ऊपर हो तो मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल ड्रॉप्स होते हैं वो दे दें, ठीक है। और अगर बुखार फिर भी उस वो देते हैं दो तीन एक दो दिन तक, फिर भी अगर बुखार परसिस्ट करता है तो वो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर डॉक्टर कहता है तो उनका ब्लड टेस्ट भी करवाएं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आजकल गर्मी बहुत है तो कई लोगों के घर में कूलर या एसी नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को फीवर आ जाता है। हाँ, तो यह है कि बच्चे को ऐसी जगह रखें जहाँ ठंडक हो ताकि बच्चे को फीवर ना हो। कई बार क्या होता है, बच्चा नॉर्मल है, फीड नॉर्मली ले रहा है, सुबह के टाइम फीवर नहीं होता, पर इतनी गर्मी में जैसे जैसे दिन चढ़ता है बच्चे को फीवर हो जाता है, तो पेरेंट्स पैनिक करने लगते हैं। इन केसेस में फीवर इसलिए आता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चा अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाता। हाँ, अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ऐसे में कई पेरेंट्स होते हैं जो घरेलू ही नुस्खे ट्राई करते हैं और घर में ही काफ़ी हद तक ट्राई करते हैं कि फीवर चला जाए, तो हमें वैसा करना चाहिए या फिर जाके अपने डॉक्टर को? नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनके लिए तो उनको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, घरेलू नुस्खे वगैरह नहीं ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमें सबसे पहले अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है जो उनको दिखाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल नॉर्मल दूध पिलाएं, ये नहीं कि उसको खाना दूध पिलाना पानी पिलाना बंद कर दें, और अगर बच्चे को फीवर है तो पानी भी पिलाएं या बॉयल करके ठंडा करके, या अगर आरओ है उनके घर में तो आरओ का पानी पिलाएं, क्योंकि जब बच्चे को फीवर हो रहा है तो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, तो पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।